तो इस एपिसोड की शुरुआत दी है गाओ चैन से। अरे यही लड़का यार जो लिंग फैमिली को बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं करता, ये लू शेव के साथ यहाँ पे बैठा था और कहते कि भाई कुछ भी हो जाए लिंग फैमिली भी इसको पार्टिसिपेट करिए, वो लोग जीतने नहीं चाहिए। जो सुनते लू शेव कहता हमारे रहते भर में ये लोग जीत भी नहीं सकते। हाँ लेकिन भाई जीतेंगे नहीं, हो सकता है वो लोग अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा कारनामा करेंगे तो नाम उनका क्रिएट हो जाएगा। तो गाओ चैन कहता टेंशन मत लो यार, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस वो लोग जीतना नहीं चाहिए तुम्हारे रहते भर में, वो चाह के भी जीत नहीं पाएंगे। उतने में एक नौकर आता खबर यहाँ पे सुनाता है जो सीजी नहीं यहाँ पे था हमारा में कटर, वो अपने प्ले राउंड यहाँ पे जीत चुका है और लीन फैमिली का वही रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। जो सुनते गाओ चैन भी कहता है यस मुझे मालूम है उस लौंडे में दम है, वो पक्का पहला दूसरा जो तीसरा राउंड है ना स्टार्टिंग जो राउंड है ना वो आराम से जीत जाएगा, वो इन्फॉर्म करने की तुझे कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो ये लड़का था लूश है वो कहते नहीं रुको यार मुझे ये बताओ उस सीजी के बच्चे ने कितना शॉट यहाँ पे यूज किया जीतने के लिए। जो सुनते गाओ चैन कहता है क्या हुआ भाई तुमको ये काय को यहाँ पे जाना है, मुझे याद है भाई जो कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग राउंड में हमारे अकेडमी के बंदे लोग तो मैंने लगा दिए, वो ऐसे बंदे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके, भले ही ये सीजन जीत गया होगा लेकिन उसकी भी हालत खराब हो चुकी रहेगी सामने से। लू शेव कहता वो बातें छोड़ यार मुझे बता कितना स्वॉर्ड अटैक उसने यूज किया। जो सुनते नौकर बताता उसने कोई स्वॉर्ड यूज नहीं किया, कोई स्वॉर्ड यूज नहीं किया, ऐसे ही उसने अपोनेंट को हरा दिया। गाओ चैन का दिमाग कर दिया, वो चिल्लाता क्या बेटे कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर, बिना स्वॉर्ड यूज किया कैसे जीत गया, ये कहता सच्ची में जीत गया अपोनेंट ने स्वॉर्ड से हमला किया, हमारे में कटर ने उंगली से पकड़ लिया छोड़ दिया, वापस से दुश्मन ने हमला किया फिर से उंगली से पकड़ लिया तो सामने से अपोनेंट हार मान के निकल गया ऐसे जीत गया। जो सुनते और भी गुस्सा आ जाता है इस गाओ चैन को कि अरे यार वो जो अपोनेंट था वो मेरा बंदा यहाँ पे था, मैंने उसको बोला था कि हरा देना, साला खुद यहाँ पे कुत्ते की मौत हार गया, उसको तो लात मार के बाहर यहाँ पे निकाल दूंगा। लू शेव नोटिस करता है जो गाओ चैन यहाँ पर है ना बस गाओ फैमिली का मेंबर है, यही इसके अंदर स्पेशल बात है, ऐसे कंप्लीटली नल्ला है। दूसरी जो शीजिन या जिसने स्वॉर्ड यूज नहीं किया बिना स्वॉर्ड यूज किया हरा दिया, इंटरेस्टिंग हमारे बीच में जो फाइट होगा ना उसमें मजा आएगा मेरी जान। अब आते वापस से कंपटीशन की ओर जहाँ पे हमारे मेकट है तो जीत चुका था, ये जो बंदे लोग थे कहते भाई इधर 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 आओ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये भी कहता हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। तो आगे यहाँ पे जाता, जैसे आगे जाता ना लीन यून कहता भाई यार तूने क्या किया भाई, क्या पावर यहाँ पे थी भाई, कैसे यार उसने तुझे मतलब तूने उसको कैसे यहाँ पे हरा दिया, मुझे ये बता यार मुझे ये बता दे मुझे ये बता दे, जहाँ तक मुझे याद है वो पांचवें रैंक का बंदा है। जो सुनता है हमारा मेकटर यहाँ पे कहता है कि वेल नहीं उसके पीछे भी रीजन यहाँ पर है, ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें बंदे लोग जो फिजिकल पावर है ना स्वॉर्डमैनशिप खाली वही यूज कर सकते हैं, ना कि अपने स्पिरिचुअल पावर जिसके लिए बंदों का लेवल कितना भी रहे उससे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, अथवा मैंने प्रैक्टिस करके मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया बस यही और कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता भी कि इनके लिए तो भाई कुछ दिन मैंने खाली प्रैक्टिस की थी लेकिन रियलिटी में उस इल्यूजन वर्ल्ड में मैंने कई साल प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया। सामने से जी लियान कहती तो भी यार तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तुमने तो स्वॉर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया उसको ऐसा डरा के हरवा दिया ऐसे कैसे यार। तो ये कहता है कि वेल हाँ जो लिंगबो का बाप यहाँ पर है ना, लिंगबो के बाप का जो स्वॉर्ड और साथ ही में उनके जो शॉट टेक्निक यहाँ पे थी उनके जो ट्रेनिंग का तरीका यहाँ पे था ना उसे ट्रेनिंग ने मुझे कुछ दिन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दिया। जो सुनते इनको अजीब यहाँ पे लगता है लेकिन सब लोग विश्वास करते और ली न्यून रोने लग जाता है, ये कहते वाह बेटे वाह यार कोई तू चूजर वन यहाँ पर है क्या बेटे, ऐसा जो चीज़ें होती ना कितनी अच्छी होती है, हमारे साथ कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं होती। सामने से लिंगबो कहती है छोड़ो यार इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आज का जो राउंड है ना खत्म हो चुका है, तुम्हारा अगला राउंड है ना कल या परसों यहाँ पर होगा तो बाद में आना, अभी के लिए मैं और हुआ आराम करने यहाँ पे जा रही हूँ, तुम्हें जाके आराम आराम यहाँ पे कर लो। रही बात लू शेव का, वो डायरेक्ट जो फाइनल कंपटीशन होते हैं ना वो डायरेक्ट उसके अंदर यहाँ पे आता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर है ना। ली नून भी कहता मुझे भी कुछ काम है इसलिए मैं भी चला, तो सब निकल जाते हैं, ये और जी लियान अकेले हो जाते हैं, तो सोचते क्यों ना हम दोनों साथ में यहाँ पे चलते हैं, दोनों साथ में निकल जाते हैं। हमारा मेकटर कहता सुनो यार तुमसे मिले हुए अभी मुझे कुछ ही दिन हुआ होगा लेकिन आई डोंट नो तुमको देख के लगता ना कि भाई जैसे कि हम लोग दूसरे को कई सालों से जानते हैं। जो सुनते ये भी कहते कि एक सेकंड यार ऐसी फीलिंग तो मुझे यहाँ पर आती है, मेरा हक यहाँ पे था, मैं सामने से ये लाइन पहले बोलती लेकिन तूने पहले ये लाइन यहाँ पे बोल दिया, तुझे शर्म नहीं आती। ये भी कहता कि एक सेकंड यार बस बोल दिया तो बोल दिया, इसमें शर्म आने की बात या फिर शर्म ना आने की बात कहाँ से आ गई। वो भी कहती हाँ यार वो सारी बातें छोड़ो, बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ हारना मत यार। जो सुनते हैं हमारा मेकर टक कहता टेंशन ना लो यार मैं ही जीतूंगा, पूरा का पूरा कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। इसको यहाँ पे शीर्ष होता भाई जो पैलेस यहाँ पे था ना, पैलेस के अंदर जो हमारा रानी यहाँ पे थी ना, हमारा रानी है ना जाना चाहती थी कंपटीशन देखने के लिए, तो गाओ फैमिली का जो लीडर यहाँ पर है ना वो की काम भी करता है पैलेस में, वो समझाते कि महारानी कॉम्पिटिशन है तब खुद यहाँ पे जाओगी अपनी आंखों से यहाँ पे देखोगी, देखो यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो महारानी सामने से कहती है ठीक यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यों ठीक यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसा कहा जाता है जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना बड़े बड़े राजा और रानियों के लिए यहाँ पे अरेंज किया जाता है। तो यार
मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी तो लॉजिक तो कहीं से यहाँ पे बना नहीं ना। सामने से वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को काम मिला है आपके सेफ्टी पे ध्यान देने का, यार जाओगे डेंजर वेंजर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सुनते महारानी कहते हैं कि एक सेकंड नहीं, तुम मेरी बात यहाँ पे सुनो, या तुम मेरी बात सुनो, तुमको काम यहाँ पे मिला मेरे सेफ्टी पे ध्यान देने का, ना कि मुझे पैलेस में बंद करने का। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पैलेस में यहाँ पे बंद रखा तो तुम्हारा अंजाम कितना बुरा हो सकता है, तुमको आइडिया भी है क्या? वो कहते हैं यस 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 मुझे आइडिया है, मुझे आइडिया है, मुझे आइडिया है, डोंट वरी आपको जहाँ जाना है जैसे जाना है आप वहाँ पे आ जाइएगा। ये भी सामने से कहती है ओके बढ़िया अब निकलो यहाँ से। तो गाँव फैमिली का लीडर निकल जाता है ये एक्साइटेड यहाँ पे की थी, क्योंकि यार जो शी है ना, शी का बेटा भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाला है, मैं भी देखना चाहती हूँ यह पार्टिसिपेट करता है तो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, और जीतेगा या नहीं जीतेगा। और शी उसका बाप बड़ा हैंडसम यहाँ पे था, तो आई डोंट उसका बेटा हैंडसम होगा या नहीं होगा, हमारे मेक कटा के बारे में बात करिए। वो जो गाउचेन था ना, गाउचेन को भी खबर यहाँ पे मिलती है कि एक सेकंड जो महारानी है वो खुद कॉम्पिटिशन में आके ऐसा देखना चाहती है। तो सामने से लू शाओ भी कहता है वो यार तुम्हारा तो नसीब ही खराब है यहाँ पर है, सोचोगे शी जी ने कमाल का बवाल मचा दिया, महारानी भी मैच यहाँ पे देखने आ रही है, फिर तो भाई उनकी जो अकेडमी है भाई लीन फैमिली की अकेडमी मार्शल आर्ट वाली वो तो बड़ा विकास कर लेगा। तो सामने से गाउचेन भी कहते क्या तुमको ज्यादा खुश होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी जो सेफ्टी पे ध्यान है ना हमारी गाँव फैमिली यहाँ पे देती है। तो महारानी के सामने अगर सी जी के साथ फाइट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा ना धजिया उड़ा देना कंप्लीटली, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। लू शाओ ऐसा आसमान की ओर यहाँ पे देखता है और कहता है और क्या नजारा यहाँ पर है, इतना नजारा ना कि जो मेरा दिल है ना अब मेरे दिल को यहाँ पे रहा नहीं जा रहा, ये बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुका है खून खराबा करने के लिए। हाथों का लड़का यहाँ पे था जो कि ऐसा जा रहा था, और जैसे जा रहा था ना उसको महसूस होता कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए कहता भी कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है, वही लू शाओ यहाँ पे था। और वो कहता है सुनो भाई मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमको जान से मारना है। दूसरा लड़का कहता मुझे जान से मारना चाहते हो क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तुम चाहते हो मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे ना करूँ, तुम भी कितना ज्यादा कमीने आदमी हो, अगर ऐसी बातें आ जाओ यार दो दो हाथ हो जाए, और मैं भाले का यूज यहाँ पे करता हूँ और उस कन्फर्म तक कि जो भाला है ना भाला तलवार से लाख गुना ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि भाला ज्यादा मोटा और ज्यादा लंबा यहाँ पर होता है, इसका तलवार मुझे छुए उससे पहले मेरा भाला उसकी धजिया उड़ा देगा, लेकिन जैसे हमला यहाँ पे करता है ना नहीं टिक पाता, लू शाओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, इसकी जान निकाल लेता है, आसमान की ओर देखता है और कहता नजारा यार अभी भी सुंदर है, आसमान में चांद अभी भी चमका रहा है, तो चलो यार इसका फायदा उठाता हूँ, यानी शायद और बंदों को मारने का मूड होगा इसका। उसको यहाँ पे अगले दिन ये जो लीन यूनियन पे था ना भागते भागते आता है, दरवाजा पटकता हमारे मेक कटा को, कहता भी दरवाजा खोलो जल्दी खोलो, ये भी कहता हाँ बोलो बोलो इतने सुबह सुबह अचानक से काय को तुम आ गए, ये कहता कि अरे ये बाप रे यार तुमको आइडिया भी है क्या, ये जो मैच क्वार्टर फाइनल का होने वाला था जिसमें टोटल यहाँ पे 16 बंदे यहाँ पे थे, तुमको और लू शाओ को छोड़कर जो बाकी 14 बंदे यहाँ पे थे ना, बाकी 14 बंदों को किसने मार डाला एक ही रात में, सबके सब यहाँ पे मर गए, ये भी चौक ज्यादा क्या, 16 में से 14 बंदा बाकी यहाँ पे मर गए, जो बाकी लोग यहाँ पे थे लिंगबो का बाप इजिलियन वो सबसे जाके यहाँ पे मिलता है और कहते तुम सब यहीं पर हो ना, बोलो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। जो बाप यहाँ पे था ना, बाप कहता है कि वेल मैं समझ गया, ये जो लू शाओ यहाँ पर है ना, लू शाओ ने बाकी सारे बंदों की जान यहाँ पे निकाली। जो सुंदर लीन यून कहता क्या उसने बाकियों की जान निकाली, मगर क्यों? जो सुंदर बाप समझाता है क्योंकि जो लू शाओ है ना उसको पेशेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको कुछ ही हो जाए हमारे मेकर के साथ यहाँ पे फाइट करना था, बाकी बंदे लड़ेंगे फिर जीतेंगे, फिर क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमी फाइनल होगा, फिर फाइनल होगा, उसमें बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए इसने बाकी बंदों को मार डाला ताकि तुम दोनों यहाँ पे रहो और तुम दोनों के बीच में डायरेक्ट यहाँ पे मैच हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।